दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जटिल से जटिल असाध्य रोग, असाध्य जैसे कि आप कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज़, सफ़ेद दाग, चर्म रोग या किसी भी तरह की और भी जितनी बीमारियां हैं, उन सब से अगर आप परेशान हैं, दुखित हो चुके हैं अपने जीवन, क्योंकि दोस्तों पहला जीवन इंसान का जीवन में सबसे पहली खुशी होती है उसकी निरोगी काया। पहला सुख जो है इंसान का निरोगी काया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी 90% समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और जो 10% की समस्या बची हुई है, वो इसको अप्लाई करने के बाद, हमारा जो ये बताएंगे नियम उसको फॉलो करने के बाद 10% समस्या वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप पूरी तरह हेल्दी हो सकते हैं, किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 76 51 87 89 16, व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। कॉल कृपया मत करें, कॉल रिसीव नहीं होगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज अपना करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ अभी हमारे इस चैनल को जोड़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, और बेल आइकन की घंटी ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे फालतू के, लेकिन आपके जीवन में सबसे पहला कर्तव्य है आपको हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ तक कि जो आई एम पॉसिबल है उसका मतलब भी क्या होता है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का भी, जो असंभव है उसका भी इंग्लिश में आप लिखिए आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल अलग करके करेंगे तो उसका मतलब भी कि संभव है दुनिया में हर चीज़ को ठीक करना, हर चीज़ हासिल करना। आप एक मंत्र को जपते रहिए, और आप ध्यान से अपने दिमाग से भी पूछिए कि जो मेरे अंदर बीमारी है, जो रोग हुआ है, जो समस्या हुई है, क्या उसका कोई दुनिया में सोल्यूशन नहीं है, क्या समाधान नहीं है? आप खुद आपका जवाब होगा, आप रिपीट करिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आपका दिमाग कहेगा हाँ सब कुछ संभव है, दुनिया में का ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका समाधान नहीं है, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह की समस्या हो, उस सभी चीज़ों का समाधान है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस मंत्र को शाम को सोते वक्त यही आपको कहना है कि आपको कोई समस्या, कोई बीमारी है, आपको ये कहना है कि एवरी आँख बंद करके और जोश के साथ कि एवरी थिंग इज पॉसिबल, मतलब कि मैं जो भी समस्या उसका संभव करूँगा और उसको कर दिखाऊँगा, सही करूँगा। हर दुनिया में हर चीज़ संभव है करना। कोई बीमारी है तो उसको बोलिए इस बीमारी का भी समाधान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इसको भी मैं ठीक करके दिखाऊंगा, छोड़ूंगा। आपके पास एक ही चारा है दोस्तों, इसको ठीक करना। अगर आप इस पे हार गए, किसी बीमारी से दुखित हो गए, परेशान हो जाएंगे, तो वो समस्या बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आपकी जो भाव होते हैं आप मन के, वो वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं और उस समस्या का समाधान फिर नहीं होता है। आप दवाइयाँ भी लेंगे, मेडिसिन भी लेंगे, आप नकारात्मक रहेंगे और टेंशन में रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तो वो बीमारियां जो हैं आपके शरीर को छोड़ नहीं पाएंगी। अगर वो बीमारी आप सकारात्मक होते हैं, अच्छा सोचते हैं, गुड फीलिंग रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो बीमारी आपकी 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, कितनी भी बड़ी गंभीर समस्या हो। लेकिन आप दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हो सकता है वो आपको बिल्कुल मौत के मुँह में लेके चली जाए, क्योंकि आपके भाव, आपके अंदर डर लीवर को ख़राब करता है। आप ज़्यादा डरते हो तो आपके लीवर ख़राब हो जाते हैं, और दुखित होते हैं तो आपको खाना नहीं पचता, तो पेट की संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो समझ गए ना कि आप टेंशन में होते हैं तो कितनी चिंता चिता के समान है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब कैसे चिंता ख़त्म करनी है, उसके लिए आपको कुछ काम करने हैं, खुश रहना है, अच्छे वीडियो देखिए, कॉमेडी देखिए, बच्चों के साथ खेलिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ज़रूरी बात है उसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि आपको खाने का जो अपना टाइम टेबल है और क्या खाना है, उस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, अगर दुनिया में भगवान ने हमारे शरीर को बनाया था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन आज हम मॉडर्न लाइफ में ऐसी कचरा चीज़ें खा रहे हैं, सड़ी गली, दो दो तीन तीन दिन पुरानी, नहीं दसियों दिन पुरानी, महीनों छः छः महीने पुरानी, और उसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है। दोस्तों, जिस भी चीज़ में एक्सपायरी डेट लिखा हुआ उस चीज़ को बिल्कुल मत खाइएगा, कभी भी, भूल से भी।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको करना है सुबह। दोस्तों सबसे पहले सुबह आपको कोई चाय नहीं पीना है, कोई भी किसी भी तरह की चाय नहीं पीना है, आपको सिर्फ गुनगुना पानी पीजिए या कोई इम्यूनिटी सिस्टम का जो आयुर्वेदिक चीज़ जड़ी बूटियाँ होती हैं उस तरह का काढ़ा पीते हैं तो वो काढ़ा पी सकते हैं। उसके बाद आपको नाश्ते में कुछ नहीं, ब्रेड, बर्गर, मक्खन, डबल रोटी या इस तरह का कुछ भी नहीं खाना है, आपको सिर्फ आपको नाश्ता ही करना है, दूध भी नहीं पीना। आपको नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ फल खाने हैं, सिर्फ और सिर्फ फल। जिन लोगों को चर्म रोग है वो लोग खट्टे फल ना खाएं, और सफ़ेद दाग या वाइट पैचेस है मीठे फल आप खाइए, वो भी कितने खाने हैं ध्यान से सुन लीजिए। आपका जितना है वज़न, वज़न मान लीजिए आपका है 60 किलो, तो आपको 600 ग्राम खाना है, 70 किलो है तो 700 ग्राम खाना है, 80 किलो है तो 800 ग्राम खाना है, इतने फल खाने हैं नाश्ते में। उसके बाद दोस्तों बात आती है, अब बीच में आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ यही नाश्ता करना है। फिर आपको जब भूख लगती है, आपका जो लंच है वो 12 बजे के बाद करिए, 12 से 1 से 2 बजे तक। तो जो लंच आप करते हैं, लंच में दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ग्रीन वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां, कम से कम 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जियां कितनी खानी है, आपका वेट इनटू 5, आपका वेट इनटू 5 ध्यान रखना है। अगर आपका वेट 50 किलो है तो 5 से गुणा करेंगे तो 250 ग्राम, अगर 60 किलो है तो 6 60 गुणे 5 6 5 30 300 ग्राम, अगर आपका 70 किलो वेट है तो 70 गुणे 5 350 ग्राम, अगर 80 किलो वेट है तो आपको 400 ग्राम, इतना आपको कच्चा सब्जियां खाता है खाना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। छिलका हटा के जो सब्जियां छिलका हटाने वाली हैं उनका छिलका हटा के खाइए, छिलका हटा के आपको खानी है, मतलब जितना आपका है उससे ज़्यादा ही खाइए, कम मत खाइए। दोस्तों ये आपकी मेडिसिन है, दुनिया की सारी मेडिसिन इसी में है। हर रंग बिरंगी कलरफुल ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ये गाजर, इस तरह के रंग बिरंगी फल खाएंगे, ये कच्ची सब्जियां खाएंगे तो आपकी हर तरह की बीमारियां ठीक करेगा, हर तरह की। ये आपको लंच में डिनर से पहले लेनी ही लेनी है, इसको नियम बनाना है कैसे भी। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, इनको भिगो के खाइए तो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे, जैसे बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, काले चने हैं, ये सभी आपके मेलेनिन को बढ़ाता है, आपकी त्वचा में निखार लाता है और सभी प्रोटीन विटामिन्स को पूरा करता है आपकी बॉडी में, जो आपकी नई सेल्स बनाता है, आपकी त्वचा में निखार लाता है और त्वचा से हर तरह की बीमारी, किसी भी तरह की, सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस, कुष्ठ रोग, एक्जिमा, सिरोसिस, सब तरह की समस्याएँ ख़त्म कर देता है। इसके बाद क्या खाना है आपको, अंकुरित चने, उसके बाद फिर आपको अंकुरित चने, अंकुरित मूँग या जो भी अंकुरित चीज़ें हैं उनको लेना है, कम से कम आप एक मुट्ठी तो खाइए ही खाइए, एक मुट्ठी कम से कम ये अंकुरित चीज़ें खाइए, अंकुरित मूंग हो सकता है, अंकुरित चने हो सकते हैं, सोयाबीन अंकुरित हो सकता है, ये आपको लेना ही लेना है। और आपको बादाम जैसे 5 बादाम खाइए, 4 अखरोट खाइए और 20 दाने मूँगफली के खाइए और 1 अंजीर खा सकते हैं, इतना ही वो ड्राई फ्रूट्स लेने हैं भीगे हुए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ये आपको एक मुट्ठी अंकुरित चने खाना, दोस्तों ये आपकी दवाई है, आपके शरीर में हर तरह के विषैले तत्वों को निकाल कर आपकी कमी को पूरा करेगा, जो भी आपके शरीर में कमी होगी उसको पूरा करेगा, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की। आप काले चने दोस्तों अंकुरित खाइए, आपके सफ़ेद दागों को बहुत तेज़ी से ठीक करने में फ़ायदा पहुँचाता है, बहुत ज़बरदस्त विटामिन B12 होता है अंकुरित चीज़ों में, जो हमारे शरीर में नव जीवन निर्माण करता है, जैसे अंकुरित चीज़ें जम के जीवन देती हैं, नए उसमें बीज लगते हैं, वैसे ही अंकुरित चीज़ें खाने से आपके शरीर में नया जीवन देती हैं। उसके बाद आपको क्या बंद कर देना है दोस्तों, वही डाइट प्लान आपको शाम को करना है, बीच में फिर कुछ नहीं खाना, लंच के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है, बीच में पानी वानी पीते रहिए, फल का जूस ले सकते हैं, लेकिन और कुछ आपको सॉलिड चीज़ें कुछ भी नहीं खाना है। फिर आपको शाम को जो डिनर करना है उसमें भी आपको सलाद ज़रूर लेनी है, कच्ची सलाद, वही 300-400 जो भी आपका वेट हो, 3-4 तरह की, जैसे गाजर है, चुकंदर है, खीरा है, तरोई है, लौकी है, कच्ची, वो आपको लेना है। फिर शाम का जो भी भोजन आपका घर में है, दाल चावल रोटी, वो आपको लेना है। ये आपका डिनर हो गया। अब आपको जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं
उनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी भी तरह की पैकेट, जो पैकेट के अंदर जैसे नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक है, नॉनवेज भी नहीं आपको खाना है, बिल्कुल भी बंद कर देना। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको बंद कर देना, मीट मछली अंडा, और अल्कोहल, सिगरेट, पान मसाला, मैगी, मोमोज, ये जितनी पैकेट के अंदर या जितनी मैदे से बनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंद कर देना। और सफ़ेद चीनी, गुड़ खा सकते हैं, चीनी से बनी मिठाइयाँ और चीनी बिल्कुल भी मत खाइए, वरना ये जो मैंने बताया वो फॉलो करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कहेंगे खाने में कौन सा नमक, तो आप सेंधा नमक का यूज़ करिए। सेंधा नमक, सिर्फ सेंधा नमक, वो भी अपने खाने में बहुत हल्का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको चर्म रोग है, सफ़ेद दाग है, वाइट पैचेस है, स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसमें आपको सफ़ेद चीनी, शक्कर से बनी हर तरह की मिठाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी, और शक्कर, और उसके बाद आपको सफ़ेद नमक और मैदे से बनी चीज़ें, ये खासकर सभी लोगों के लिए है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको वो कोई भी बीमारी, कैंसर, डायबिटीज़, शुगर, सब तरह की बीमारी, सफ़ेद दाग, चर्म रोग, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जड़ से। आप 3 से 6 महीने इसको फॉलो करिए, आपके जीवन में ऐसा सुख आ जाएगा, आपके शरीर में, अगर आप 50 साल के होंगे तो आप 20 साल के दिखने लगेंगे, चेहरे से, स्किन से, इतना हेल्दी हो जाएंगे। दोस्तों, आपको अगर कुछ भी चाहिए, प्रॉब्लम है, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो हमारे यहाँ मेंबरशिप है, वो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आपका फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री गाइड चार्ट, फ्री डाइट प्लान, फ्री ट्रीटमेंट, और हम टाइम टू टाइम आपका वॉचिंग करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आपके शरीर में और भी कोई बीमारी है तो कोई एक बीमारी है वो जल्दी ठीक नहीं होती है, वो चीज़ हम आपको जैसे दवाई, आपका प्लान बताएंगे, आप खाएंगे 20 दिन 15 दिन और आपको नहीं ठीक होगा, तो हम आपको चेंज करेंगे कि आपका डाइट प्लान, ये जो है उन लोगों के लिए डाइट प्लान है जिन लोगों को शरीर में और कोई बीमारी नहीं है। आपके ढंग से तो कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन दोस्तों आपके पेट भी ख़राब होगा, क्योंकि अगर आपको सही से पेट नहीं साफ़ होता तो आपके अंदर लीवर भी ख़राब हो सकता है, किडनी भी ख़राब हो सकती है, बहुत सारी और भी बीमारियाँ होंगी, वो हम जब देखेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तब हम समझ पाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये डाइट सभी लोग, कोई भी दवाई कर रहे हैं, कहीं किसी भी डॉक्टर के पास कर रहे हैं, इस डाइट को सभी लोग अप्लाई करें, फॉलो करें, उनकी हर बीमारी बहुत तेज़ी से ठीक होगी, बहुत तेज़ी से, आप खुद देखेंगे। और अगर आप ऐसे ही कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपको दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा लुटाते रहें बस। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए।